हेलो गाइस, तो अगर आपके पास जेरोक्स की 5755 मशीन है और आपके डिस्प्ले पे कलरफुल कलर आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं और मशीन चालू नहीं हो रही है, तो मैंने जस्ट मशीन और पीछे ऑफ किया, मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपको बता दो आपको करना क्या है। आपको करना ये है, पहले पीछे का ओपन करना है। मैं बता दो कैसे ओपन करते हैं। ये रहा गाइस, तो आपको यहाँ पे एक लॉक है, घुमा के स्क्रू खोलना है, स्क्रू करना है उसको, तो खींचा नहीं है वहाँ पे, सीट खुल के वो हैंग हो जाता है। फिर आपको ये प्लग अनप्लग करना है। ओके गाइस, तो प्लग अनप्लग करने के बाद, प्लग अनप्लग कर लोगे तो आपको ये ट्रे बाहर खींचना है। इसको हम इसको जैसे बताया हमने, मैं ओपन कर लिया उसे। ये रहा बोर्ड और एक ये दो बोर्ड, ये दो बोर्ड है, ये आपकी हार्ड डिस्क। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है गाइस, इसमें डस्ट बैठने की वजह से आती है, एक कनेक्टर की वजह से आती है, और दूसरा ये आपको जो केबल है इसकी वजह से आती है। तो पहले आप ब्लोअर मार के देखें, मेरे हाथ पे ब्लोअर है, तो काफ़ी खुले गाइस, आपको ब्लोअर मारते तो ठीक है गाइस, मैंने ब्लोअर मार चुका हूँ। अब ब्लोअर मारने के बाद करना ये है कि रैम को उसको उसको भी हाथ में लगाना है। ठीक, ब्लो मार दिया, धूल उड़ गई। फिर ये कनेक्टर जिक्र आपको गए, इसको एक बार निकाल के अच्छे से फिट करना है। ठीक है, अलग कनेक्टर आपको नंबर दिखा दूँ इसका। एक कनेक्टर जो होता है J137, और यहाँ पे होता है गाइस, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, J106। ये कनेक्टर को इधर आप स्विच कर लीजिए, यहाँ के वहाँ मैंने स्विच करो, फिर ध्यान से लगाइए भाई, पिन टूटी तो गया। ठीक है, दूसरा होता है ये, अगर आपको फिर भी सॉल्व नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल ये चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको निकाल के मैं वहाँ पे लगा दें। ओके, ये टाइट हो गया, थोड़ा तो ढीला लूज बैठने से ही प्रॉब्लम होती है। बस उसमें फिर मशीन ऑन कर देखते हैं कि हमारी ऑन हो रही कि नहीं हो रही है। एक और बात गाइस, इसमें 80 GB की हार्ड डिस्क रहती है, तो मैंने थोड़ी ज़रा हार्ड डिस्क लगा दिया, ऑलमोस्ट अराउंड 260 GB लगा दिया, बस एक्स्ट्रा पड़ गई। तो मोर देन 80 आप ला के देखो तो आपके जो बूटेबल टाइम है गाइस वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये हो गए, चालू हो गई। ओके, फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, गुड, चलो गाइस प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, चालू हो गई है। प्रॉब्लम मेरे को डस्ट का लगा मेरी तरफ से, लास्ट टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुई थी लाइट की, तो मैंने ये चेंज किया था, ठीक हो गया था। ओके, देख लीजिए गाइस, सब परफेक्ट है, लाइट जली है। कुछ कुछ वीडियो में गाइस ये बताया गया कि इसको शॉर्ट सर्किट करना है या फिर पेचकस स्क्रू घुमाना है, वो सब बिल्कुल मत करना गाइस, ऐसा करने से आपका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, तो ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।